हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम एसिड रिफ्लेक्स के बारे में बात करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि सॉर थ्रॉट या एलर्जी कफ या आपके जो चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होता है या जो हार्ट बर्न होता है या बहुत सारे लोगों को थ्रॉट के अंदर कंजेशन लगता है, थ्रॉट के अंदर उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनका जो फूड पाइप है वो कंस्ट्रिक्ट कर गया है और उधर स्पेस नहीं है और वो गला उनका बैठा बैठा सा रहता है या फिर वो गले में हैवीनेस और पेन महसूस करते हैं। तो जनरली देखा ये गया है कि जो एलर्जिक कफ या सॉर थ्रॉट या जुखाम खांसी के जो पेशेंट होते हैं या गले खराब के जो पेशेंट होते हैं या जिनको पोस्ट नेजल ड्रिप होता है, यानी कई बार नाक बंद हो जाती है और कई बार नाक रनिंग नोज होता है, कई बार क्या होता है कंजेशन फील करते हैं, तो इन सबके पीछे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उनको कोई इन्फेक्शन है। वो थ्रॉट का इन्फेक्शन हो सकता है, गले के नीचे वाले हिस्से का इन्फेक्शन हो सकता है या फिर एलर्जिक कफ हो सकता है या चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार वो ये सोचते हैं कि उन्हें अस्थमा है या उन्हें नमूनिया है या कई बार उन्हें COVID-19 का भी कई बार कन्फ्यूजन या डाउट रहता है। लेकिन यदि क्लिनिकली हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि मैक्सिमम केसेस में इवन 90% केसेस में यदि आप 100 लोगों को हम स्टडी करें तो 90 लोगों में हम पाएंगे कि एलर्जिक कफ के पीछे, सॉर थ्रॉट के पीछे, थ्रॉट इन्फेक्शन के पीछे, कफ के पीछे या एसिड का जो बर्निंग सेंसेशन है या जो हार्ट बर्न है या जो थ्रॉट के अंदर जो कंस्ट्रिक्शन महसूस होता है या गले के बैठे रहने के पीछे सबसे बड़ा जो कॉज होता है वो एसिड रिफ्लेक्स होता है। एसिड रिफ्लेक्स मींस एसिड का बफर करना, यानी आपका जो एसिड है वो चेस्ट की ऊपर की तरफ बफर करता है, रीच करता है और वो कई बार गले तक रीच करता है तो उसके कारण आपको ये प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन हम कई बार एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जी या बहुत सारी दवाइयां इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए ले चुके होते हैं और बहुत सारे हमने टेस्ट भी कराए होते हैं लेकिन कोई क्लिनिकली कोई बेनिफिट हमें नहीं होता है, हीलिंग नहीं हो पाती है क्योंकि उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो आपका एसिड रिफ्लेक्स होता है। सो एसिड रिफ्लेक्स को ट्रीट करने की आवश्यकता है तभी आपके ये सिम्टम्स और ये प्रॉब्लम्स सबसाइड होंगी, ट्रीट होंगी। यदि एसिड रिफ्लेक्स ठीक नहीं होगा तो आपको ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगी। आप देखते हैं कि एसिड रिफ्लेक्स के कुछ इन केसेस में कुछ सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स में मॉर्निंग एंड इवनिंग कफिंग, थ्रॉट में कंजेशन, थ्रॉट में कई बार पेन होता है, सॉर थ्रॉट होता है और कई बार थ्रॉट ड्राई रहता है और जल्दी जल्दी आपको टॉन्सिलाइटिस या फिर थ्रॉट इन्फेक्शन या एलर्जिक कफ फ्रीक्वेंटली होता है या लंबे समय तक बना रहता है, वो ठीक नहीं होता है। पोस्ट नेजल ड्रिप यानी आपको जुखाम खांसी जल्दी जल्दी होते हैं, कंजेशन एंड टाइटनेट इन अ चेस्ट आपको फील होती है और आप इजीली मतलब ब्रीथ नहीं कर पाते, कई बार ब्रीथ में कंजेशन या ब्रीथ का खींच के लेना या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और कई बार चेस्ट में पेन भी देखा जाता है, तो इन सब के पीछे एसिड रिफ्लेक्स ही एक रीजन होता है। अब इसके हम कॉजेस को जान लेते हैं कि एसिड रिफ्लेक्स के कॉजेस क्या होते हैं। कॉजेस में आपका सलेबरी ग्लैंड्स का अच्छे से सलेबा का सेक्रेट नहीं खाना, मतलब प्रॉपरली फूड को स्वेलो नहीं करना, प्रॉपर च्यू नहीं करना, प्लस लिक्विड इनटेक कम रखना, उसके बाद आपका स्मोकिंग है, तम्बाकू चबाना है, ओबेसिटी है या फिर एल्कोहल है या और दूसरे जो बल्ब डिसीज है जो आपका बल्ब होता है उसका ढीला होना भी हो सकता है या फिर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो ये सब रीजन देखे जाते हैं। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं कि यदि लंबे समय तक आपको एसिड रिफ्लेक्स बना रहे तो ना केवल वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करता है बल्कि सेट ऑफ सिम्टम्स के साथ भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो कि मैंने अभी आपको बताया, जिसमें कि कॉमनली है सॉर थ्रॉट एंड मॉर्निंग इवनिंग कफ प्लस थ्रॉट पेन एंड कफ एंड कोल्ड, ये कॉमन है लेकिन कई बार एसिड रिफ्लेक्स के साथ साथ चेस्ट पेन और हार्ट बर्न भी दिखा जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यदि कंटिन्यूसली ये बना रहता है तो आपको एसिड बफर करेगा, ब्लूटिंग होगी, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, चेस्ट पेन होगा और ये सिम्टम्स कंटिन्यूसली बने रहेंगे, आपको मेडिसिन से आप जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिस पे है उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैनेजमेंट में सिंपल मैनेजमेंट है कि आप प्लेंटी ऑफ लिक्विड लें, खाने को अच्छे से च्यू करके खाएं, आप अपने फूड में इजीली डाइजेस्टेबल फूड रखें लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स,
वाइट फूड कम कर दें, सॉल्ट इनटेक कम कर दें, स्मोक, टमेको, अल्कोहल इमीडिएटली स्टॉप करें, वॉकिंग स्टार्ट करें। इफ यू आर ए फैटी लिवर है आपका या फिर आप ओबीज हैं तो आप अपने वेट को कंट्रोल रखें। प्रिवेंशन में सिंपल है, आप प्रिवेंशन में सिंपली टाइम दें अपने फूड को और एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, प्लस चावल, चीनी, मैदा जो रिफाइंड फूड है या जो बहुत ज्यादा एल्कलाइन फूड है वो आप कुछ समय के लिए स्टॉप कर सकते हैं। और यदि किसी फूड से आपको फूड एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं कि कोई पर्टिकुलर फूड है जिसको डाइजेस्ट करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो उस फूड को कुछ समय के लिए आप स्टॉप कर सकते हैं। सो आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा और आपको एसिड रिफ्लेक्स कम हो जाएगा। यदि कॉन्स्टिपेशन है तो इमीडिएटली कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करें, इसब गोला ऐड करें या फाइबर ऐड करें या फिर कोई नेचुरल लग्जेटिव भी आप ले सकते हैं लाइक त्रिफला। तो कॉन्स्टिपेशन का ठीक होना भी बहुत जरूरी है जिससे कि इमीडिएटली आपके एसिड रिफ्लेक्स रिड्यूस करेगा और आपकी ये सिम्टम्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड एनी सजेशन और एनी क्वेश्चंस तो राइट अस, हमें पूरा लिखें आप एंड वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू। यदि आपको कंसल्टेशन की जरूरत है, कोई क्लिनिकली आपको सिम्टम्स है, आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन कॉल टू अस। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर सर। Thank you.